और उत्तराखंड के चंपावत में एक स्कूल के बच्चों ने दलित रसोईया के हाथों से खाना खाने से मना कर दिया, जिसके साथ इस महिला को सरकार की तरफ से नौकरी से निकाल दिया गया। और इस मामले पर दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि धामी सरकार ने ये बहुत गलत किया है। इस आधार पर किसी महिला को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए था। बच्चों को समझाया जा सकता था या खाना बनाने वाली महिला का ट्रांसफर किया जा सकता था। इस घटना पर धामी जी को माफी मांगना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खाना बनाने वाली महिला से कहना चाहता हूं कि वो दिल्ली आए, दिल्ली सरकार उन्हें स्कूलों में खाना बनाने की नौकरी देगी। राजनीति को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। वहीं एक दलित महिला को नौकरी से निकाल दिया गया है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं, उनसे बात कर। सर, क्या है पूरा मामला? ये चंपावत की घटना है, जहां भोजन माता के रूप में सुनीता का सिलेक्शन हुआ था। और जिस स्कूल में सिलेक्शन हुआ, जब उसने खाना बनाया तो वहाँ के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने सुनीता के हाथ के खाने को ये कह के इनकार कर दिया कि ये दलित है और हम दलितों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उसके जब ऊपर शिकायत हुई तो लोगों ने, वहाँ के अधिकारी ने, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने उसके ऊपर जांच की और जांच करके उसको नौकरी से ही निकाल दिया। सर, अगर तो, बात की जाए तो सुनीता का सिलेक्शन किस माध्यम से हुआ था? क्या वो परमानेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? नहीं, ये जो वहाँ जितने भी आंगनवाड़ी के माध्यम से या जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील जो बढ़ता है, उस मिड डे मील बांटने के लिए वहाँ की सरकार ने ये सिलेक्शन किया था। उसमें वैकेंसी निकाली, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका बकायदा इंटरव्यू बोर्ड बना, इंटरव्यू करके उसको सेलेक्ट किया गया था और उसको इस वजह से नौकरी से निकाल दिया, चूंकि वो दलित है और वहाँ बच्चों ने उसके हाथ का बना खाने से मना कर दिया। कितने टाइम पहले सुनीता को नौकरी पे रखा गया था? कितने टाइम से वो खाना बना रही थी? अभी की घटना है, ये लेटेस्ट घटना है। तो अब महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते आप क्या कदम उठा रहे हैं दिल्ली सरकार? मैंने ऑफर किया है कि चूंकि धामी जी, मिस्टर पुष्कर धामी जी, वो न्याय में भरोसा नहीं करते हैं, दलितों के उत्पीड़न को वो जायज ठहरा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उस महिला की नौकरी छीन कर उन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता को साफ दिखाया है। तो हमने ऑफर किया है कि दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते दिल्ली में इस तरह भोजन बनाने के काम के लिए हम सुनीता को नौकरी के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जी का साफ कहना है कि वो सुनीता को ऑफर कर रहे हैं कि जो धामी जी उनको इंसाफ नहीं दिला पाए, वो इंसाफ हम आम आदमी पार्टी के महिला एवं बाल विकास मंत्री उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप दिल्ली आएँ और दिल्ली में ये नौकरी कर सकते हैं। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।